तो गाइस ये है हमारी स्नो ड्राइव गाजा और आप देखिए क्या खूब गुड मॉर्निंग। आज हम हैं नाको में, रात को हम रुके थे माउंटेन व्यू होम स्टे में और निशांत भाई देखिए अभी बिस्तर से उठ ही नहीं रहे हैं ये भी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। और इधर नमित शर्मा, ये देखिए नमित शर्मा भी थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं रूम के बाहर का नज़ारा जो है एकदम शानदार। ये खड़ी है हमारी गाड़ी और मतलब कोई ऐसा खास स्नोफॉल हो नहीं रहा है पर लेकिन हवा में हल्की हल्की बर्फबारी चली हुई है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत और निकलते हैं नाको विलेज से गाजा की तरफ। सो गाइस अभी अभी करा है मैंने गाड़ी को स्टार्ट और ये कोल्ड स्टार्ट, आप देखिए गाड़ी की साउंड किस तरह से आ रही है। लगभग जो टेम्परेचर है वो -12-13 डिग्री से नीचे ही होगा और सुबह सुबह हवा के साथ हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो रही थी लेकिन अभी फ़िलहाल तो चोटियों पर ही बर्फ़ है। और ये था हमारा माउंटेन व्यू होम स्टे। तो अभी चलिए गाड़ी को कुछ देर गर्म होने देते हैं। सो फाइनली गाइस स्नोफॉल शुरू हो गया है और रात को हम थे नेगी जी के पास तो अभी हम निकल रहे हैं काजा की तरफ। और ये देखिए आप खूबसूरत नज़ारा नाको विलेज, अच्छा खासा स्नोफॉल शुरू हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं अपने इस ट्रिप को कंटिन्यू काजा की तरफ। अच्छा स्नोफॉल शुरू हो गया है इसी के लिए हम लोग निकले थे और आज फाइनली स्नोफॉल हमें मिल गया है। हाँ जी यहाँ पे भी ऐसा ही है, अभी तो रोड तो क्लियर है पूरा। हाँ आराम से चल रहे हैं हम आपको फिर कॉल कर लेंगे काजा पहुंच के। अभी तो निकले हैं यहाँ से, अभी तो हम मलिंग नाला के पास है। तो ये हमारे सोनम भाई कॉल कर रहे थे कि निकले वहां से कि नहीं जहाँ हमने स्टे करना है काजा में होम स्टे में, तो वहाँ वो बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। तो अभी तो हम निकल रहे हैं यहाँ मनिंग नाला नाको के पास है तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्नोफॉल अभी तो शुरू हो गया है। तो चले हैं अभी हम धीरे धीरे। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं मलिंग नाला और ये देखिए आप पूरी तरह से नाला कैसे जमा हुआ है। और यहाँ पर ये ट्रैवलर फंस गई है ब्लैक आइस में और अभी तो मिट्टी मिट्टी डाल रहे हैं और फिर उसको चलिए धक्का धुक्का मारते हैं और फिर निकालते हैं इसको। सो गाइस लुक एट दिस, ये है मलिंग नाला और ये देखिए पूरे का पूरा नाला जमा हुआ है और बेहद शानदार ये एक आइस फॉर्मेशन यहाँ हो रखी है। और ट्रैवलर को धक्का मारने के बाद अब चलिए हम भी निकलते हैं आगे मलिंग नाला से काजा की तरफ। स्नोफॉल भी चल रहा है और काफ़ी फेमस है मलिंग नाला अपने शूटिंग स्टोन्स और स्लाइड्स के लिए। ये मलिंग नाला का जो रोड है पहले नीचे हुआ करता था पर वो रोड बिल्कुल भी नहीं टिकता था, तभी इसको बिल्कुल टॉप पे बनाया गया। ऐसी भी कहानियां थी कि पुराने टाइम में इस नाले से परमिशन लेके इसे क्रॉस किया जाता था जो बुजुर्ग लोग बताते हैं, तो ऐसी सुनी सुनाई कहानियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हल्की हल्की स्नोफॉल के बीच में अपने इस स्पीति टूर को करते हैं कंटिन्यू और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हमें आगे मिल जाएगा। और यहाँ आ गई है HRTC, ये देखिए ये काजा से बस आ रही है
सुबह सुबह वहां से जो गाड़ियां निकल गई हैं वो निकल गई हैं, लेकिन अभी दोपहर के बाद मुश्किल हो जाता है जब ज्यादा स्नोफॉल हो गई है, क्योंकि सोनम भाई का फोन आया था, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है, तो अगर नहीं निकल पाओगे आगे तो कहीं ताबो के आसपास ही रुक जाना। तो चलिए देखते हैं अभी जर्नी को करते हैं आगे, और अभी तक तो फिलहाल रोड क्लियर ही है। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं चांगो और स्नोफॉल कंटिन्यू है, तो चलिए चलते हैं अब आगे काला की तरफ। और यहाँ देखिए दोस्तों रोड पर चल रहा है एक राइडर, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है यहीं लोकल ही होगा कोई लड़का, लेकिन बहुत हिम्मत है इतनी माइनस टेम्परेचर में बाइक चलाना, अपने तो बस का ना है। और सड़क पर आप देखो तो ध्यान से ये जैसे धुआं चलता है वैसे आगे बर्फ चल रही है। चलो जी आ गया एक और एंट्री पॉइंट समदो, यहाँ पर एंट्री होती है गाड़ियों की, और यहाँ पर जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है उनका बॉर्डर है किन्नौर और लाहौल स्पीति। और समदो से आगे तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल शुरू हो गया, तो आप देखिए क्या मज़ेदार और कितना शानदार ये नज़ारा है। और आगे बढ़ते हुए अभी हम दोस्तों पहुंच गए हैं गियू नाला, गियू में जो ममी है मॉनेस्ट्री है राइट साइड को, ये 7 किलोमीटर ऊपर गियू मॉनेस्ट्री को रोड है, और अभी हम जा रहे हैं काजा, और काफ़ी हैवी स्नोफॉल जो है अब शुरू हो गया है और काफी मजा आ रहा है और आगे भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये है दोस्तों हमारी विंटर स्पीति एक्सपीडिशन, और ये देखिए अब क्या खूबसूरत नजारा है इस वक्त सड़क पे हो रहा है, बढ़िया स्नोफॉल, मजा आ रहा है अमित, बहुत बढ़िया। फाइनली जिस चीज के लिए हम निकले थे वो हमें मिली, स्नो राइड। अभी हम पहुंच गए हैं ताबो, और काफी अच्छा खासा रोड पर स्नो पड़ रहा है। और दोस्तों अब हम आगे सीधे निकल रहे हैं काजा की तरफ, यहाँ पे तो हम नहीं रुक रहे हैं क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा इतने अच्छे स्नोफॉल में काजा तक ड्राइव करने का, तो चलिए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी हमने दो चार जगह रुक के ट्राई किया था कि चाय या कुछ मिल जाए, लेकिन कोई भी ऐसी शॉप्स वगैरह हमें मिली नहीं खुली हुई। चलिए इस खूबसूरत स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि आगे को कोई गाड़ी गई है। और दोस्तों यहाँ पे गड़ी हुई थी एक ऑल्टो, इसका शीशा भी खुला था, शायद ये फंस गई होगी बर्फ में, गाड़ी तो यहीं लोकल ही थी। पर आप ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है इन, पता नहीं मुझे कि एक्चुअल में इनको क्या बोलते होंगे, लेकिन ये पिलर्स जो मिट्टी के बने होते हैं बहुत ही खूबसूरत, और बर्फ काफी ज्यादा अब आने लग गई है सड़क पर, बीच में स्नोफॉल रुक रहा है कभी तेज हो रहा है, पर यह है कि अभी उतराई है तो अभी थोड़ा धीरे धीरे संभाल के उतारनी पड़ेगी गाड़ी नीचे की तरफ को। और बहुत देर बाद हमें कोई सड़क पर दिखा एक गाड़ी, और ये दो तीन लोग यहाँ खड़े थे, हमें जाना है सीधे, और ये टर्न था माने गांव की तरफ। और स्नोफॉल सुबह से कंटिन्यू है और काफी मजेदार है, कभी बीच में तेज हो जाता है कभी स्लो हो जाता है, और जो व्यू है वो तो एक नंबर है ही है, नीचे स्पीति रिवर का व्यू बहुत अच्छा है, बीच में जब ये बर्फ बहुत तेज हो जाती है तो ये नज़र भी नहीं आती है, तो बहुत ऐसा फॉगी सा हो जाता है, पर बीच में थोड़ा क्लियर भी हो जाता है तो बड़ा अच्छा नज़ारा भी दिखता है। तो चलिए चलते रहते हैं अभी आगे आगे, और अभी हम पहुँचने वाले हैं ढंकार मोनेस्ट्री के टर्न के पास, चलिए चलते हैं। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ढंकार की तरफ जाने वाली सड़क पर अभी कोई गाड़ी चढ़ पा रही होगी, और पिन वैली के टर्न पर भी मुझे नहीं लगता कि कोई गाड़ी मुझ तक जा रही होगी अभी। चलिए अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं काजा की तरफ। और ये है दोस्तों खूबसूरत पहाड़ों के बने हुए ये पिलर्स, वैसे तो ये हवा से और बर्फ से और बारिश से इससे बनते हैं,
पर ये बहुत ही खूबसूरत है। फिर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। गाड़ी चला के? बहुत बढ़िया सर, स्नो ड्राइविंग, मजा आ गया सर। मजा आ गया? जबरदस्त। बहुत साल हो गए यार ड्राइव ही नहीं किया स्नो के। अच्छा। कम ही आना जाना होता है बर्फ के टाइम में। वैसे ही इस बार पूरी तो होगी मनोकामना है। मनोकामना प्लानिंग कर रखी थी ना हमने पहले ही कि जिस दिन बर्फ पड़ेगी उसी दिन जाएंगे। उससे पहले ना बात थोड़ा सा नहीं खराब तो नहीं, मेरे को ये दगी शायद खराब हो गया। दो दिन आगे पीछे हो जाएंगे बर्फ में शायद। मेरी मेरे को लगा था आज नहीं तो शायद आगे एक दिन बाद पड़ेगी। नहीं नहीं रात को तो तेरा मूड खराब हो गया। नाकों को देख के तो लग रहा था कि नहीं भाई ये तो सूखा ही पड़ गया। पर इस बार चलो यहाँ आके तो आके अच्छा लगा, मजा आ रहा है। अभी देखते हैं अभी आज की रात कैसी गुजरती है। ये यार मजा वैसे है ना, क्या मजेदार भी हुआ। अभी हम पहुंच गए हैं शिचलिंग और स्नो जो है वो बढ़ती जा रही है और देखिए किस तरह से पूरी सड़क भर गई है। हट जा भाई हट जा। और ये है दोस्तों सामने पिन वैली टर्न, जो सामने पहाड़ी दिख रही है इससे अंदर की वैली है पिन वैली। और ये देखिए आप सड़क पर किस तरह से स्नो का एक पाउडर पूरी तरह से बिछा हुआ है और काफी मजेदार है इस पे ड्राइव करना भी। गाइस ये है हमारी स्नो ड्राइव काजा और आप देखिए क्या खूबसूरत कैनवस इस वक्त हमारे सामने आज कुदरत ने तैयार कर दिया है। बहुत ही शानदार व्यू और ये जर्नी हमारी आज बहुत ही यादगार हो गई है। और आज पहली बार ही मैं स्पीति ऐसे स्नोफॉल में आ रहा हूँ। स्पीति पहले भी आया हूँ, काजा बहुत बार आया हूँ, पर इस तरह का मौका कभी नहीं मिला था। तो आज एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रीम कम ट्रू कि स्नो ड्राइव करेंगे, स्पीति तक जाएंगे, काजा पहुंचेंगे। तो आज वो दिन आ गया, विंटर स्पीति का ये एक्सपीडिशन हमारा आज काफ़ी रोमांच और काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है। ये देखिए दोस्तों किस तरह से एक वाटरफॉल पूरी तरह से जम गया है और नाले में नीचे थोड़ा सा पानी तो है लेकिन ऊपर से जो पानी गिर रहा होगा वो सारा जमा हुआ है। तो बेहद खूबसूरत ये नजारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह ये देखिए आप क्या सड़क है, ये सड़क तो इस टाइम स्विट्जरलैंड को भी फेल कर रही है। क्या शानदार, ये दोनों तरफ पेड़ों के बीच से होती हुई ये सड़क जा रही है और सामने दिख रहा है एक गोम्पा। दोस्तों एक बार फिर से जो है स्नोफॉल ने एक बार फिर स्पीड पकड़ ली है, काफी तेज जो है स्नो आ रही है, बहुत ही मजेदार है इस टाइम। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं काजा और स्नोफॉल एक बार फिर से शुरू हो गया है और देखिए क्या खूबसूरत नजारा है और स्नो राइड का बहुत मजा लेते हुए अभी हम पहुंचने वाले हैं काजा। और गाइस आप देख सकते हैं काजा में काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है। और देखिए आप किस तरह से पूरे का पूरा इलाका वाइट हो रखा है, ये है वाइट स्पीति। चलिए चलते हैं अपने होम स्टे की तरफ। तो दोस्तों स्नो राइड करते हुए अभी हम पहुंच गए हैं काजा और ये है काजा का मॉनेस्ट्री का नज़ारा। ये देखिए आगे सेवन स्तूपाज आ गए हैं। आई लव स्पीति। और सोनम भाई से भी बात हुई है तो उनका जो होम स्टे है वो यहाँ पेट्रोल पंप से नीचे की तरफ जाके है। तो चलिए चलते हैं होम स्टे। ये है गाइस हमारा होम स्टे और स्नोफॉल अभी भी चला हुआ है और ये रहा काजा का नज़ारा।
सो गाइस ये है हमारा होम स्टे काजा में, जो कि नेगी जी ने हमें इंतज़ाम करवाया सोनम भाई के पास। ये रहा सिटिंग एरिया और ये रहा हमारा बेडरूम। चलिए अभी तो आपका मज़ा ले रहे हैं हम। दोस्तों आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी स्नो राइड करी हमने और आई होप आप सबको भी ये पसंद आई होगी। आप लोगों ने भी पूरा एंजॉय किया होगा स्नोफॉल का, स्नो ड्राइव का, स्नो राइड का। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।